नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन। आज फार्मट्रैक 60 जो भारत का सबसे पॉपुलर ट्रैक्टर है उसकी जानकारी मैं देना चाहूँगा। फार्मट्रैक 60 जो खेतों का किंग से भी नाम से जाना जाता है, जो आज मैं ट्रैक्टर आपको दिखाना चाहूँगा वो है फार्मट्रैक 60 क्लासिक सीरीज। और ये क्लासिक सीरीज और इसका वेरियंट होगा सुपर मैक्स ट्रैक्टर में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये क्लासिक सीरीज होने के कारण इसके अंदर ऐसे खूबियां हैं जैसे अंदर से मॉडर्न और बाहर से क्लासिक कह सकते हो आप। मतलब इंजन जो इसका बना हुआ है वो पूरा का पूरा लिक्विड सील्ड इंजन आपको प्रदान कर रहे हैं, और अन्य ट्रैक्टर जैसे 250 या 300 घंटे में सर्विस की जगह हम इसमें पूरा 500 घंटे की सर्विस प्रदान कर रहे हैं। मतलब किसान जब काम करना शुरू करे वो सोचेगा नहीं कि मैं बार बार सर्विस स्टेशन जाऊं, पूरा अपना सीजन निकल जाएगा फिर जाके अपने ट्रैक्टर की सर्विस करा सकता है। आइए इस ट्रैक्टर की और थोड़ी जानकारी मैं देना चाहूंगा। इस ट्रैक्टर के अंदर हमने दी हुई है पूरे 50 HP का इंजन, ये देख सकते हो आप। 3 सिलेंडर का इंजन आता है, पूरा 50 HP का इंजन है AVL टेक्नोलॉजी के साथ। इसका मतलब शक्तिशाली, मेंटेनेंस कम और फ्यूल के खपत में सबसे कम। और इस इंजन को जो डीजल प्रदान करता है, जो इनलाइन पंप हम बोलते हैं, ये इनलाइन पंप माइक्रो बॉश का बनाया हुआ हम प्रदान करते हैं। इस पंप को मेंटेनेंस फ्री करने के लिए हम इसके अंदर वाटर सेपरेटर देते हैं। और इस ट्रैक्टर की अगर आप देखोगे इंजन की कूलिंग सिस्टम, तो ये हमने इसके अंदर जो कूलिंग सिस्टम जो हमने दिए हैं कारो वाला कूलिंग सिस्टम दिए हैं। मतलब बार बार मुझे रेडिएटर की कैप को खोलना या इसके अंदर पानी डालना या कूलेंट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये स्पेशल रिकवरी बोतल दी हुई है। मतलब कारो वाला कूलिंग सिस्टम, बार बार पानी डालने की जरूरत नहीं होगी। खाली आपको इसके अंदर इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम लेवल, हाँ, इसको देखना है और इसके भीतर कूलेंट मेंटेन करना होगा। और इस ट्रैक्टर में आप देखिए जो सर्विस पीरियड की मैंने बात की थी 500 घंटे, मतलब जो डीजल की भी जो फिल्टर आती है वो एक ही फिल्टर आता है, अन्य ट्रैक्टरों में दो दो फिल्टर। मतलब ये टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हमने दी हुई है, एक ही फिल्टर डबल काम करता है। और इसकी जो बैटरी बॉक्स आप देख सकते हो, हाँ, ये साधारण बैटरी बॉक्स नहीं है, ये रोबस्ट लुक वाला हमने बैटरी बॉक्स बनाया है जिसपे फार्मट्रैक का नाम भी हमने लिखवाया हुआ है। ये मेंटेनेंस में आसानी है, बाहर होने के कारण बैटरी गर्म नहीं होता है। और आगे आइए, तो आगे का अगर आप लुक देखोगे तो पूरी फार्मट्रैक ट्रैक्टर की जो नाम है हमने इतनी अच्छी तरीके से क्रोम वाला डेकाल लगाया गया है, जो स्टाइलिंग में भी नंबर वन है। और इसके सामने जो ग्रिल का जो लाइनिंग दिए है हमने क्रोम लाइनिंग, और 60 का नाम भी दिए हुए हैं, ये थोड़ा सा आपको एलिगेंट क्लासिक लुक देता है ट्रैक्टर को। और इसकी जो ग्रिल भी है वो साधारण नहीं है, वो वेवी फॉर्म में हमें दी है ताकि ज्यादा हवा अंदर जा सके। हाँ, ज्यादा हवा अंदर जाएगा तो आपका रेडिएटर ठंडा रहेगा, रेडिएटर ठंडा है तो आपका इंजन भी ठंडा रहेगा। और इसकी जो लुक को और भी एडवांस करने के लिए हमने क्लियर लेंस, हेडलैम्प, हेलोजन बल्ब, और आप मानोगे नहीं, भारत का पहला ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें हमने LED लैंप्स दिए हैं। अब चारों तरफ देख सकते हो, गोल आकार में हमने 9 LED लाइट लगाए हैं जिससे इसकी स्टाइलिंग भी बढ़िया रहेगी। और अगर आप रात को भी काम कर रहे हो, दूर दृष्टि से आराम से चला सकते हो, ड्राइवर को सेफ्टी भी रहेगी। और कई जगहों में आप देख सकते हो आजकल कोहरा बहुत पड़ता है, जो LED लाइट इस्तेमाल करोगे तो कोहरे में भी आपको रोशनी दिखाई देगी, ठीक। और आगे की तरफ आप देखोगे तो ये जो फ्रंट एक्सल सपोर्ट है, ये यहां से लेकर पीछे इंजन माउंटिंग तक, यहां से यहां तक पूरी की पूरी एक पीस है, पूरी हेवी कास्टिंग से बनी हुई है। एक ही ट्रैक्टर है, कंपनी है जहां पर ये प्रदान होता है, वो है फार्मट्रैक। तो ये करीब करीब 110 केजी होता है जिससे पूरी ट्रैक्टर की जो बैलेंसिंग है वो बना रहता है। आइए इसकी जो फ्रंट एक्सल आप देख सकते हो, यहां देखिए दो बोल्टे हैं और यहां भी देख सकते हो दो बोल्टे हैं। ये ऐसा क्यों बना है? क्योंकि ये जो फ्रंट एक्सल है इसको बोलते हैं हम फ्लेक्सी एक्सल,
मतलब इसको चौड़ा या छोटा भी आप कर सकते हो जैसी आपकी जरूरत होगी। यह कहाँ काम आएगा, जैसे कि आप आलू की खेती हो गया, जहाँ पर रो क्रॉपिंग कहा जाता है, ठीक, जहाँ अमेड़ बनाने हो या पौधे छोटे छोटे हैं जहाँ पर आपको ट्रैक्टर चला के वहाँ के जो कर पतवार है उसको हटाने हो, तो आपको करना पड़ता है कि ट्रैक्टर की जो ट्रैक विड्थ उसको एडजस्ट करना पड़ता है आगे और पीछे, तो इसलिए हमने इसका फ्रंट एक्सल फ्लेक्सी दिया हुआ है। जैसी जरूरत वैसा आप काम इसमें कर सकते हो। और सबसे मुख्य चीज जो कस्टमर डरता है पावर स्टीयरिंग से कि मेंटेनेंस होता है, इसके अंदर जो हमने पावर स्टीयरिंग दी है वो है बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग। ये जो मैं उंगली कर रहा हूं, मतलब दोनों तरफ इसकी एक्टिवेटिंग होती है। हाँ, इससे फायदा यह है कि एक उंगली से पूरी स्टीयरिंग काट सकते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ ये बैलेंस स्टीयरिंग आपको दिखता कैसा है। ये देखिए, इस तरफ आप देख सकते हो जो रॉड है, यहां पर भी इसकी एक्टिवेटिंग है, और इस तरफ आइए, इस तरफ भी इसकी बैलेंस पावर स्टीयरिंग की एक्टिवेटिंग है, देख सकते हो। तो दोनों तरफ एक्टिवेटिंग होने से इसकी लिंकेजेस कम हो गए। अन्य ट्रैक्टर में क्या, यहां से लिंकेजेस जाते थे, वो लिंकेजेस पूरे के पूरे खत्म हो गए, तो स्टीयरिंग आसानी से घूमता है, कम इंजन का एनर्जी लेता है घूमने के लिए। और इसको और भी मेंटेनेंस फ्री करने के लिए हमने इसके अंदर एक पावर स्टीयरिंग का सेपरेट ऑयल बॉक्स दिए हैं। ये सेपरेट ऑयल बॉक्स देने का फायदा यह है कि पावर स्टीयरिंग जब आप काम करोगे तो ये इसी में से तेल इस्तेमाल करेगा, शुद्ध तेल। ये अन्य ट्रैक्टर में होता क्या है, ये या तो गियरबॉक्स या तो बैकेंड से लेता है तेल और इसमें घुमाता है, अगर उसमें गंदगी आ गई तो वो गंदा तेल इसमें भी जाएगा। तो इसका फायदा यह है कि ये शुद्ध तेल इस्तेमाल करेगा। और दूसरा फायदा यह है कि अगर आप तेल बदलना चाहो तो यहाँ 35-40 लीटर बदलने की जरूरत नहीं है, खाली आप यहाँ पर 2.5 लीटर तेल बदलोगे तो मेंटेनेंस में भी ये बहुत कम होगा। आइए इस तरफ और भी चीजें आपको बताएं। ये देखिए, बहुत छोटी चीज है, देख सकते हो आप, इसको बोलते हैं स्क्वायर टाइप स्पिंडल। तो अन्य ट्रैक्टर में होता क्या है, ये गोलाकार में होता है, एक ही चाबी होती है इसमें, तो उसमें क्या है, हैवी लोड वगैरह में स्लिप होते हैं, मगर इसमें चारों तरफ चौकोर होने की तरफ से चार की चाबी की तरह ये काम करता है, जिससे इसकी मजबूती बढ़ जाती है और टायर की नियत भी सही रहता है। और यहाँ देखिए, हम इसके अंदर दे रहे हैं 35 एम्पियर का अल्टरनेटर, और जो हाइड्रोलिक पंप इसमें हम दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं टेंडम पंप, और ये इंजन के ऊपर माउंट होने की वजह से ये इंजन चालू कर दिया तो पंप चालू हो जाते हैं, मतलब लाइव हाइड्रोलिक्स हम बोलते हैं। इससे फायदा यह है कि इंजन चालू तो हाइड्रोलिक चालू, और हाइड्रोलिक आपका एकदम से काम करना चालू करेगा। आपको याद होगा उस तरफ मैंने बताया था कि 500 घंटे का सर्विस, ये जो सफेद फिल्टर आप देख रहे हो, ये सफेद फिल्टर बहुत ही यूनिक फिल्टर है, जिसकी वजह से पूरी ट्रैक्टर की सर्विस इंटरवल 500 घंटे हो गया है। इसके साथ एक एक्स्ट्रा फिल्टर भी हम लगा के देते हैं, ये डमी फिल्टर है, मतलब एक्स्ट्रा फिल्टर है कि पहले सर्विस जो 50 घंटे में होता है ट्रैक्टर खरीदने के बाद, तो ये फिल्टर कंपनी की तरफ से फ्री में मिलता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इस ट्रैक्टर में चढ़ने के लिए सुविधा कैसा है देखेंगे आप। ये देखिए, चढ़ने के लिए अलग सा ग्रैबर या हैंड होल्ड हमने दिए हैं, इसको पकड़ो, और ये देखिए पैर रखने के लिए एक स्टेप है, तो इसको पकड़ा, यहाँ पैर रखा और मैं चढ़ गया। कितनी आसान है इस ट्रैक्टर में चढ़ने का सुविधा। और इस ट्रैक्टर में क्लच की अगर हम बात करें, ये सुपर मैक्स होने की वजह से हमने इसके अंदर डुअल क्लच दिए हुए हैं। आधा दबाओगे तो अगर ट्रैक्टर आपका चल रहा है तो ट्रैक्टर रुक जाएगा, और पूरा दबाओगे तो आपका पीटीओ भी रुक जाएगा, मतलब एक ही पेडल में दो ऑपरेशन आपको प्रदान होते हैं और दो क्लच प्लेट ऑपरेट होते हैं। और गियरबॉक्स की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर हमने दिए हैं 8+2 गियरबॉक्स, मतलब आगे जाने के लिए 8 और पीछे जाने के लिए 2, पूरा का पूरा फुली कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स इसके अंदर हम प्रदान कर रहे हैं, जिससे ट्रैक्टर अगर लोड पे भी चल रहा है या धीमी गति से चल रहा है तो चलते चलते आप गियर की चेंज ओवर कर सकते हो। उदाहरण दे दें तो सोचिए, मैं लोड के साथ चल रहा हूँ और लगा कि मुझे ट्रैक्टर में लोड ज्यादा आ रही है, तो चौथे में चल रहा हूँ, चौथे हाई में, तो मैं चलते चलते क्लच दबा के इसको तीसरे में या दूसरे में या पहले में आसानी से डाल सकता हूँ धीमी गति में।
तो इससे फायदा यह है कि ट्रैक्टर रुकेगी नहीं, तेल की ईंधन की खपत कम होगी और ट्रैक्टर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, और इसके अंदर सेफ्टी फीचर अगर पूछोगे तो दो मेजर सेफ्टी फीचर इस ट्रैक्टर में हमने दिए हैं। एक है वो है लॉक, ये देख सकते हो, ये ट्रांसपोर्ट लॉक का फायदा ये है कि सोचिए अगर मैं चल रहा हूं और चलते समय कोई मेरा दोस्त मिल गया और बोला अरे मुझे वहां तक छोड़ दो, वो यहां बैठ गए और बैठे बैठे चल रहे हैं और मैंने इम्प्लीमेंट ऊपर बांध रखी है लीवर को दोनों को ऊपर करके, वो मेरा दोस्त बैठे बैठे करेगा क्या कि गलती से पैर हटके ये लीवर जो हाइड्रोलिक लीवर है ये नीचे कर दिए। नीचे होने से क्या होगा, चलते हुए ट्रैक्टर में जो अगर इम्प्लीमेंट बांधी हुई है तो इम्प्लीमेंट नीचे गिर सकता है ना, तो ये ना हो इसलिए हम करते क्या है, इम्प्लीमेंट को ऊपर रख के इसको पूरा लॉक कर दिए, तो होगा कि इम्प्लीमेंट ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, लीवर नीचे भी कर दो तो इम्प्लीमेंट गिरेगा नहीं। ये है पहला सेफ्टी। और दूसरा सेफ्टी ये है इस ट्रैक्टर में कि कई बार होता ये है कि अर्जेंट में मैं घर जाता हूँ, ट्रैक्टर को पार्क कर देता हूँ, चाबी यहीं भूल के अंदर निकल जाता हूँ, बच्चे आके बैठ जाते हैं, खेलते खेलते क्या करते हैं ट्रैक्टर की चाबी घुमा देते हैं। ठीक, तो अगर गियर में है तो चल पड़ता है, मगर इस ट्रैक्टर में सेफ्टी फीचर ये है कि गियर में है हाई लो वाला, तो अगर बच्चों ने चाबी घुमा भी दी तो ट्रैक्टर चालू नहीं होगा। तो मैं इसको गियर में डाल रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाबी घुमा रहा हूँ, देखिए पूरा घुमा रहा हूँ, ट्रैक्टर चालू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको न्यूट्रल करूँगा, देखिए न्यूट्रल कर दी, अभी चाबी घुमाओ, ट्रैक्टर चालू। इसका मतलब कि अगर ट्रैक्टर गियर में है तो ट्रैक्टर चालू नहीं होगी। ये दूसरा सेफ्टी फीचर हमने मजबूर इस ट्रैक्टर में दिए हैं जो अन्य ट्रैक्टर में आपको नहीं मिलते। आइए थोड़ा ऊपर से इस मीटर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। इस ट्रैक्टर में देखिएगा हमने पूरा का पूरा एडवांस्ड मीटर हम दे रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बोलते हैं, ये डिजिटल आर मीटर आपको प्रदान करता है और दिन में अलग रात में अलग रोशनी देने की क्षमता इसके अंदर है। नीचे और भी सेंसर्स लगे हुए हैं और इसके साथ आप देख सकते हो इस ट्रैक्टर में कौन कौन सी गियर में आपको कितनी स्पीड प्राप्त होती है। 540 चक्कर 1800 इंजन आरपीएम में मिलते हैं, मतलब ट्रैक्टर चलाने की सारी जानकारी इस स्टिकर के अंदर हमने दी हुई है। और इस स्टीयरिंग की अगर बात करें तो देख सकते हो पूरा कारो जैसा थ्री स्पोक वाला स्टीयरिंग हम देते हैं इसके अंदर फार्म ट्रैक ब्रांडिंग के साथ, और ये पकड़ने में भी बहुत मुलायम है, रबराइज्ड है। कंफर्ट की बात आप करोगे तो ये जो सीट हमने दिए हैं तो ये यहाँ तक इसकी जो सपोर्ट है पूरी की पूरी मेरी बैक को सपोर्ट करती है। ये 5-way एडजस्टेबल सीट हम इसके अंदर दे रहे हैं, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे, और मेरा वजन है 70 किलो, तो 70 किलो के हिसाब से इसकी कुशनिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हो। और एक सुविधा है, मैं ट्रैक्टर चलाते चलाते होता क्या है, अगर भारी पैर है तो क्लच के ऊपर अगर आप पैर रखोगे या ब्रेक के ऊपर रख के चलाओगे तो ये भारीपन पैडल को दबाते रहेगा ऐसे ऐसे ऐसे, इससे क्लच की लाइफ जो है वो कम हो जाती है। इसके लिए हमने इसके अंदर सुविधा दी है पैर रखने की जगह, ये देख सकते हो इधर भी रख सकते हो, इस तरफ भी रख सकते हो, तो जब आप लंबे समय तक चला रहे हो ट्रैक्टर तो पैर वहां रख के आराम से चला सकते हो, जिससे आरामदायक भी रहेगा प्लस आपकी क्लच और ब्रेक की लाइफ भी लंबी उम्र चलती रहेगी। आइए और एक मुख्य चीज इस ट्रैक्टर के बारे में बताना चाहूंगा, वो है पीटीओ। इसको बोलते हैं पीटीओ सिलेक्शन लीवर। ये पीटीओ सिलेक्शन लीवर में 3 ऑप्शन है, अगर मैं इसको आगे कर दिया, आगे की तरफ इस तरफ कर दिया तो पीछे मुझे पीटीओ में 540 चक्कर मिलेंगे 1800 इंजन आरपीएम के चक्कर में। अगर मैंने ये पीटीओ को पीछे की तरफ ऐसे कर दिया पूरा पीछे तो इस ये एमआर पीटीओ एंगेज हो जाएगा। इसका मतलब जैसे मैं गियर चेंज करता हूँ तो पीटीओ की स्पीडें बदलती रहती है, मल्टी रिवर्स पीटीओ। इससे फायदे ये है कि आपको हर एक गियर में अलग अलग स्पीड प्राप्त होती है, जैसे आपने अल्टरनेटर या वाटर पंप लगाया तो पुली चेंज करने की जरूरत नहीं, खाली गियर चेंज करो और वो मशीन के साथ सेट हो जाता है। और दूसरी फायदा ये है, अगर मैं एक थ्रेशर चला रहा हूँ इस ट्रैक्टर में और थ्रेशर चलाते चलाते कहीं जाम हो गया तो करोगे क्या, मैकेनिक को बुलाओगे, खुलवाओगे, फिर वो सारा जाम निकलवाओगे, तो 1 घंटा वेस्ट
इसमें इस ट्रैक्टर में फायदा यह है, एमआर पीटीओ में एंगेज कर लो और रिवर्स वाला गियर डाल दो, जो पीटीओ चल रही है वो उल्टा चलना चालू हो जाएगा, जिससे जो भी फंसा है वो वहां से बाहर निकल जाता है। तो वो है एमआर पीटीओ के फायदे। इस ट्रैक्टर में अगर हाइड्रोलिक्स की बात करें तो इस ट्रैक्टर में 3 लीवर आते हैं हाइड्रोलिक से। पहला लीवर जो फेंडर की तरफ है, इसका नाम है पोजीशन लीवर। ये देख सकते हो मैंने पकड़ा हुआ है। ये पोजीशन लीवर का फायदा ये है कि इस पोजीशन लीवर से मैं उपकरण जैसे जो सेकेंडरी है, रोटावेटर, लेवलर या बीज बोने वाला मशीन, वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इसका दूसरा लीवर का नाम है जो ड्राइवर सीट की तरफ है, इसका नाम है ड्राफ्ट लीवर। इसके फायदे ये हैं कि इसके अंदर ADDC सेंसिंग उपलब्ध होता है, इससे आप उपकरण जैसे जो प्राइमरी उपकरण कहलाते हैं, MV प्लाउ, डिस्क प्लाउ, सब सॉइलर, कल्टीवेटर, अन्य जो उपकरण इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरा लीवर जो है, जो स्टैंडर्ड फिटमेंट आता है, जो अन्य ट्रैक्टरों में ये अक्सर आप पाया नहीं जाता है, तो हम ये स्टैंडर्ड फिटमेंट दे रहे हैं। ये लीवर से आप टिपिंग ट्रॉली उठा सकते हो, होल्ड कर सकते हो या टिपिंग ट्रॉली को गिरा सकते हो। तो हाइड्रोलिक की जो सारे काम आप मार्केट में कर सकते हो, सारे काम करने के लिए इस ट्रैक्टर में पूरी सुविधा दी गई है। और सोचिए अगर मैं हैंड ब्रेक लगाना चाहूँ तो बहुत आसान है, ब्रेक लगाया और हैंड ब्रेक खींचा और छोड़ दिया, हैंड ब्रेक लग गया। तो हैंड ब्रेक निकालना है तो इसको खींचा और ब्रेक को दबाया, छोड़ दिया, हैंड ब्रेक निकल गया। तो सारे जो लीवर्स है इस ट्रैक्टर में अरेंज किए हैं, सारे एर्गोनॉमिकली डिजाइंड है, तो बैठे बैठे आगे देखते हुए सारे एंगेज कर सकते हैं। आइए इस ट्रैक्टर की कुछ सुविधा में पीछे की तरफ भी जानकारी देना चाहूंगा। इस ट्रैक्टर में खाली आगे ही नहीं, हमने जो पीछे जो लगते हैं हैजार्ड लैंप्स या इंडिकेटर लैंप्स, वो भी हमने LED लाइटें लगाई हुई है। पूरे भारत वर्ष में अगर देखोगे तो पहला ट्रैक्टर कंपनी है जहां पर आपको LED लाइट की सुविधा दी गई है, ठीक। और इसकी जो फेंडर की शीट मेटल देखोगे, आइए पास आइए देखिए, ये फेंडर की जो शीट मेटल भी जो है, इसकी जो क्वालिटी अगर आप देखोगे तो ये इतना ज्यादा शीट मेटल है। उसके साथ इसकी जो मोल्डिंग भी जो हमने किए हैं वो बहुत स्टाइलिंग के साथ की हुई है। सेफ्टी के लिए ये फेंडर रेल हम दे रहे हैं। और टायर की बात करें, देखिए फार्मट्रैक 60 के अंदर हमने दी हुई है 14x28 बड़े साइज के टायर। ये 14x होता क्या, 14x होता है टायर की चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक, जो है ट्रैक्टर की चौड़ाई है, टायर की चौड़ाई है 14.9 इंच। जब ये 14.9 इंच हो जाता है तो ये ट्रैक्टर की जो प्रोफाइल हाइट भी है लगभग वही होता है, मतलब ये भी बढ़ जाता है। इससे क्या है, टायर बड़ा होता है, बड़ा होने से ट्रैक्टर की स्पीड ज्यादा होती है और ज्यादा लोड लेने की क्षमता इस पहिए में, इस ट्रैक्टर में मिलता है। और 28 इंच जो है, यहाँ अंदर की भीड़ से यहाँ बीजू पे आपके रिम में बैठता है, वो होता है 28 इंच। और ये देखिए रिम तो हमने बढ़िया क्वालिटी का दिया है, इसको और भी मेंटेनेंस फ्री करने के लिए एक स्पेशल रिम स्टिफनर हमने दी, काला कलर का रिम देख सकते हो, ये हार्डन स्टील का स्पेशल हमने दी हुई है। और एक बोल्ट से दूसरे बोल्ट तक जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा दी गई है ताकि स्ट्रेंथ ज्यादा निकले और रिम की लाइफ भी आपको लंबी उम्र मिल सके। आइए ट्रैक्टर की पीछे की तरफ बात करें, इसकी पूरी बैकएंड देखिएगा। अभी इसकी पूरी बैकएंड अगर आप देखोगे तो इतनी हैवी ड्यूटी हमने बनाया हुआ है, खाली दिखने में भी नहीं, हम इसको लिख के भी देते हैं। देखिए इधर पूरा 3 साल का वारंटी है, ये क्राउन व्हील पिनियन में हमने जो दिए हैं। और इसकी अगर बैकएंड की अगर बात करें तो देख सकते हो पूरी की पूरी फ्लैट है और मल्टी हिच पॉइंट ऑप्शन दिए हैं, छोटी ट्रॉली, माध्यम ट्रॉली या बड़ी ट्रॉली, जैसी जरूरत वैसे आप हिचिंग इसके अंदर कर सकते हो। और इसका और एक फायदा यह है कि अगर आप थ्रेशर इसमें हिच करके चल रहे हो तो हिचिंग भी कर सकते हो और पीटीओ का कार्डन शाफ्ट भी लगा सकते हो, जैसे एडजस्ट करते हुए दोनों काम कर सकते हो। और इसकी अगर ब्रेक की बात करें तो इसके हम अंदर हमने दिए हैं पूरे के पूरे तेल में डूबे ब्रेक, जो मजबूत ब्रेकिंग है। कई बार होता है कि ट्रैक्टर रिवर्स में ब्रेक नहीं लगते हैं, तो जब तेल में डूबे ब्रेक हम देते हैं तो रिवर्स में भी मजबूत ब्रेक लग जाते हैं और लॉन्ग लाइफ रहते हैं। और बात करें इसकी स्टे बार की, ये देख सकते हो ये
जब आप इम्प्लीमेंट बांध देते हो तो लोअर लिंक जाके पहिए को ना टकराए। तो हमने इसके अंदर मजबूत स्क्वायर टैक हेवी ड्यूटी स्टे बार दे रहे हैं, और इसकी जो टॉप लिंक माउंटिंग ब्रैकेट भी है इसमें भी दो हाइड्रोलिक के ऑप्शन है। अगर आपके यहाँ सख्त मिट्टी है तो आप टॉप लिंक को नीचे लगाओगे, अगर आपके यहाँ नरम मिट्टी है तो आप टॉप लिंक को ऊपर की तरफ लगाओगे। मतलब ये ट्रैक्टर में ऐसी ADDC सेंसिंग है कि जमीन जैसा है उस तरीके से ये सेंसिंग करेगा। पीछे की तरफ जो ब्रेक लाइट लगते हैं वो भी LED वाले हमने दिए हैं, और ये जो नन्ना सा लाइट है ये आप अगर आप नंबर प्लेट लगाओगे उसके लिए अलग सा लाइट दिए हैं, और प्लाउ लैंप भी दिए हैं। रात को भी आप दिन रात काम कर रहे हो तो रात को भी लाइट लगा के आप काम कर सकते हो। पूरा जानकारी मैंने दिया, फार्म ट्रैक 60 क्लासिक सीरीज ट्रैक्टर जो खेतों का किंग है, अंदर से मॉडर्न है और बाहर से क्लासिक है, तो पूरी जानकारी मैंने अपनी तरफ से दी है। आइए एक बार ट्रैक्टर की टेस्ट ड्राइव देके आप खुद महसूस कीजिए।